Hey, what's up techie peoples, this is Sama here and you watching your interesting channel Sam's Always Techie. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MIUI 9 लेटेस्ट अपडेट के कुछ माइंड ब्लोइंग फीचर्स के बारे में एंड ये MIUI 9 का 9.5.3.0 लेटेस्ट अपडेट के फीचर्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज फर्स्ट फीचर लॉक स्क्रीन से शुरू करते हैं। तो अगर आप लॉक स्क्रीन पर स्वाइप राइट करते हो तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर क्रॉसेल का फीचर मिल जाता है। यहाँ से आप लॉक स्क्रीन पर स्लाइड शो वॉलपेपर लगा सकते हो एंड यहाँ से आप स्वाइप डाउन करके इस वॉलपेपर के बारे में डिटेल्स पा सकते हो। नेक्स्ट फीचर में आपको कुछ साउंड्स में चेंज मिल जाते हैं, लाइक लॉक एंड अनलॉक साउंड चेंज मिल जाता है, स्क्रीन शॉट साउंड चेंज मिल जाता है एंड चार्जिंग साउंड चेंज मिल जाता है। नेक्स्ट आप अबाउट फोन में देख सकते हो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 मार्च 2018 का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हो फिंगरप्रिंट पहले से बहुत क्विकली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आप होम स्क्रीन पर पिंच इन करके कुछ एप्स पर मार्क करके उन एप्स को एक फोल्डर में क्विकली मूव कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आपको म्यूजिक प्लेयर में मिल जाता है। यहां पर आप 3-डॉट मेनू पर टैप करते हो, देन हेडफोन एंड साउंड इफेक्ट पर टैप करते हो तो सबसे नीचे आपको 2 नए साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, एक MI कम्फर्ट एंड दूसरा MI नॉइस कैंसिलिंग। नेक्स्ट फीचर आपको डायलर ऐप में मिल जाता है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर टैप करते हो, देन सेटिंग पर टैप करते हो, देन एडवांस सेटिंग पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको क्विक डायल का फीचर मिल जाता है। यहाँ पर आप किसी भी एक नंबर पर अपने कॉन्टेक्ट्स में से नंबर ऐड करते हो एंड जब उस नंबर पर आपको डायल करना हो तो सिंपली टैप एंड होल्ड रखोगे तो कॉल लग जाएगा। नेक्स्ट फीचर आपको कैलेंडर ऐप में ये प्लस आइकन का मिल जाता है। आप इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हो, लाइक किसी इवेंट का, किसी के बर्थडे का, एनिवर्सरी का एंड काउंटडाउन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको MI ब्राउजर का न्यू लुक देखने को मिल जाता है जो कि पहले से काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। नेक्स्ट MI स्क्रीन रिकॉर्डर में कुछ बग्स फिक्स कर दिए गए हैं, लाइक पहले स्क्रीन रिकॉर्ड करने पर साउंड का प्रॉब्लम था बट अब सेटिंग में साउंड सोर्स में आपको स्पीकर करके न्यू फीचर दे दिया गया है, अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर आपको नोट्स एप्लीकेशन में मिल जाता है। यहाँ पर आप नोट्स टाइप करते हो, देन डन पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको शेयर करने का फीचर मिल जाता है। अब आप अपने नोट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको सिक्योरिटी ऐप में गेम स्पीड बूस्टर का फीचर मिल जाता है। यहाँ से आप जो गेम्स लैग करते हैं उनके स्पीड बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट ऊपर की तरफ आप जब डाटा यूजेस पर टैप करते हो, देन रेस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेस पर टैप करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोबाइल डाटा एंड वाईफाई का ऑप्शन अलग अलग मिल जाता है जो कि पहले एक साथ था। यहाँ पर आप 3-डॉट मेनू पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। इसको इनेबल करके आप किसी एप्लीकेशन में डाउनलोडिंग करते हो, देन उस एप्लीकेशन को लीव करते हो तो जो फाइल डाउनलोड हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है। तो नेक्स्ट फीचर आप किसी फोटो पर टैप करते हो तो ऊपर की तरफ आपको एक हार्ट का आइकन मिल जाता है। आप इस पर टैप करके किसी फोटो को फेवरेट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप न्यू एल्बम क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आप 3-डॉट मेनू पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ स्पेस का फीचर मिल जाता है। इसका यूज करके आप बकवास स्क्रीनशॉट्स इजीली क्लीन कर सकते हो जो कि ये ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है। नेक्स्ट आप सिस्टम अपडेटर में 3-डॉट मेनू पर टैप करते हो, देन ऑटो अपडेट पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको एक न्यू फीचर मिल जाता है जो कि है टाइम शेड्यूल सेट करने का। यहाँ से आप अपडेट का टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हो एंड ये सेट किए टाइम पर ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगता है। नेक्स्ट आपको टूल्स फोल्डर में नया एप्लीकेशन MI रोमिंग देखने को मिल जाता है। इसका यूज आप जब इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जाते हो तो कर सकते हो एंड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप होम स्क्रीन पर स्वाइप अप करते हो तो गूगल सर्च ओपन हो जाता है। तो अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो सिंपली आप स्वाइप अप करो, देन जो सर्च करना हो वो सर्च करो। एट लास्ट फीचर, सो आप सेटिंग ओपन करते हो, देन नोटिफिकेशन एंड स्टेटस
बार पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले ये होता था कि व्हाट्सएप पर या फिर अदर ऐप पर बहुत से नोटिफिकेशन आते थे तो नोटिफिकेशन पैनल भर जाता था, बट अब ये एक फोल्डर में आएगा। नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन पैनल कलर चेंजिंग का फीचर मिल जाता है, तो अगर आप वेदर ओपन करते हो देन रिफ्रेश करते हो तो वो वेदर के हिसाब से नोटिफिकेशन पैनल कलर चेंज होते रहता है। सो गाइज, ये थे MIUI 9 लेटेस्ट अपडेट के कुछ माइंड ब्लोइंग फीचर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड अपने इस इंटरेस्टिंग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं अपने किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूं यार, बाय।